हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह ट्रायंगल्स क्लास 10th का जो एग्जाम्पलर मैं करा रहा हूँ उसको अच्छे से आप कर रहे होंगे। मैंने कंप्लीट कर दिया एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.2 और 6.3। अब 6.4 हमने शुरू करा है और 6.4 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कंप्लीट करा है। और आपको अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसको और ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 11 से जितने सारे आगे क्वेश्चन हैं सब आज कंप्लीट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, कैसा भी ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है PQR, PD परपेंडिकुलर्स QR। यहाँ पे एक हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे D और ये इसका परपेंडिकुलर, इधर से भी होगा तो इधर से भी होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। PQA, PQ क्या गिवन है, A, PRB ये आपका क्या है, B, QDC ये है आपका C एंड DRD और ये D है। तो बोला है प्रूव दैट, प्रूव करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, दिखने में लग रहा होगा कि हो सकता है किसी को टफ हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स, ये भी ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक ये हो गया। इस ट्रायंगल को देखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर इसका हाइपोटेनस कौन है, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। इक्वेशन 1 और 2 में देखें तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड बराबर होगा। तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, पड़ जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सी प्लस डी इंटू सी माइनस टू सी माइनस डी, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आएगी, उतार लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमने कर दिया, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। 12 क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ए और डी मिलके 90 डिग्री है, तो इसको कैसे बनाया बताइए। ABCD है, ए और डी मिलके 90 डिग्री है, ABCD है 90, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ये वाला और ये वाला मिलके कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, दैट इज़ इसको अगर एक्स मान लें इसको वाई मान लें तो गिवन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना है और ठीक है, कोई बात नहीं। प्रूव दैट ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो अगर हमको चाहिए ए सी और बी डी तो इसका डायगोनल तो मीट कराना ही पड़ेगा, ये ऐसे मीट कराते हैं, इसको ऐसे मीट कराते हैं, ठीक है, मीट करा दिए। ठीक से देखें, ये वाई है, इसको मैंने एक्स लिया है, ए को एक्स लिया है, वाई को डी को वाई लिया, इसमें अगर देखा जाए इसको मैंने क्या किया, प्रोसीड करा, अगर आपको डिफ़िकल्टी लेके देख लीजिएगा। अब बताइए ये एक्स है, इसको अगर अलग से देखें ये बेसिकली ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया एक्स और ये वाई, ये दोनों मिलके 90 डिग्री है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, अलग बात है लग नहीं रहा है बट ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे ये कितना आया बताइए, 90 डिग्री, क्योंकि एक्स और वाई मिलके 90 डिग्री, इसको 90 होना पड़ेगा, टोटल 90 180 होगा। तो क्या हो जाएगा, 90 का ऑपोजिट कौन है, ए डी, दैट इज ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी, इसको मान लेते हैं हम लोग ई, है ना, इसको ओ, वैसे मीट करने की कोई उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी, ए डी स्क्वायर बराबर 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस और छोटे छोटे साइड कौन है, डी ई और ए, डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, ये एक बात हो गई, इसको तो प्रूव करना है। उसके बाद अगर हम सी बी ई में देखें तो 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है, सी बी,
दैट इज़ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इक्वेशन 1-2 में देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे अगर 1+2 ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ेंगे तो क्या होगा डी ई स्क्वायर। अब आप ध्यान दें अगर कौन है यहाँ पे डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर है ना प्लस कौन बी ई स्क्वायर, एक साथ में लिख देता हूँ पहले डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। इस पर अगर देखें हम डी ई स्क्वायर दैट इज डी ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर और बी ई स्क्वायर 90 डिग्री का ऑपोजिट कौन है ये डी बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर 90 डिग्री ऑपोजिट कौन है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यहाँ पे 90 डिग्री है दैट इज क्या आएगा ये बी डी स्क्वायर, ये क्या देगा बताइए डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये देगा आपको बी डी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री इसका ऑपोजिट कौन है ए सी दैट इज ये आएगा आपका ए सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। फिगर थोड़ा आपको ठीक बनाना पड़ेगा फिर मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, देखिए एक्स और वाई 90 डिग्री तो इसको मैंने एक्सटेंड कराया तो ये 90 डिग्री होगा चूंकि ये दोनों 90 है तो 90 180 होगा, ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए डी स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो बी सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, दोनों को हमने जोड़ दिया उसके बाद पता चला डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर दैट इज डी ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, यहाँ पे इसका ऑपोजिट कौन है हाइपोटेन्यूज दैट इज ये क्या होगा डी बी स्क्वायर प्लस उसके बाद ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर ये भी राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री, ऑपोजिट कौन है हाइपोटेन्यूज कौन है ए सी, ए सी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था जो हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, उतार लें चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 12 में अगर आपको लगा कि बहुत पेचीदा वैसे है नहीं, आपको थोड़ा समझने की बस ज़रूरत है। यहाँ पे बोला है इन फिगर 6.20 यहाँ पे दिया हुआ है L और दूसरा है M, ये दोनों क्या है पैरेलल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है L पैरेलल M ठीक, ए बी सी डी एंड ई एफ आर कंकरेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट एक कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से पास कर रहा है और ये पॉइंट P से पास कर रहा है ए सी ई डी E, D, F है ये और ये B, A, B है C, D है और E, F है, तीन लाइन सेगमेंट्स हैं तीनों मीट कर रहा है P पे कंकरेंट है और प्रूव करना है टू प्रूव ए ई बटे बी एफ बराबर ए सी बटे बी डी बराबर सी ई बटे एफ डी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें तीन ट्रायंगल्स लेते हैं कौन कौन, एक ये दोनों ट्रायंगल, एक ये दोनों ट्रायंगल, एक ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, मैं अगर बात करूँ ट्रायंगल ए ई पी की, ट्रायंगल ए ई पी और हम इससे इसके बारे में सोचें तो ये वाला एंगल इसके बराबर है ठीक है, और ये दोनों चूंकि पैरेलल है तो ये वाला क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये बात समझ आ रही है, ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी क्या है 2 है ठीक है, तो ए सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएगा, ए का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा बी और ई का कौन होगा एफ और पी का तो पी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, अगर सिमिलर हो जाए तो क्या चाहिए ए ई बटे बी एफ, तो ए ई बटे बी एफ इज इक्वल टू क्या होगा ई पी बटे एफ पी बराबर ए पी बटे बी पी, इसको आप करते जाइएगा अपने आप आपका प्रूफ हो जाएगा ठीक। अब देखिए अगर हम लें ये पूरा ट्रायंगल को देखें, ट्रायंगल ए पी सी सिमिलर होगा किसका, इस पूरे को एक साथ अगर देखें ये पूरा अगर आपका इसको हम 3 मान लें तो ये पूरा यहाँ पे क्या होगा 3, पी का करस्पॉन्डिंग कौन होगा पी, ए का कौन होगा ए का बी ही होगा क्योंकि इसके इसके साथ ही होगा, ए का बी होगा पी का पी होगा उसके बाद सी का क्या होगा डी हो जाएगा, अगर ये सिमिलर होगा तो क्या होगा ए पी
हमको चाहिए वैसे क्या, ए सी बटे बी डी, तो पहले यही लिख लेते हैं ए सी बटे बी डी, फर्स्ट लास्ट बराबर क्या होगा ए पी बटे बी पी बराबर पी सी बटे पी डी, ये हमारा दूसरा आ गया। तीसरा क्या होगा ई पी सी, और अगर हम लिखें यहाँ पे ट्रायंगल ई पी सी सिमिलर होगा किसका, देखिए ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो पी का तो पी ही होगा, पी बीच में आ जाएगा, और ई का सी का क्या होगा ये वाला के साथ ये वाला होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए सी के साथ हो जाएगा आपका डी और ई के साथ बचेगा कौन एफ, तो इसको अगर हम करें सी ई बाई एफ डी दैट इज़ ये वाला तो सी ई बाई डी एफ या एफ डी बराबर क्या होगा ई पी बटे एफ पी बराबर पी सी बटे पी डी, ये इक्वेशन थ्री है। तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ए ई बटे बी एफ, ए ई बटे बी एफ ये इम्प्लाई कर रहा है फ्रॉम वन टू एंड थ्री ए ई बटे बी एफ ये बराबर है किसका ए सी बटे बी डी, तो यहाँ पे ए ई बटे बी एफ को देखें यहाँ पे क्या ए पी बटे बी पी, ए पी बटे बी पी यहाँ पे भी है, ये ए सी बटे बी टी के बराबर है, बराबर क्या होगा ए सी बटे बी डी बराबर। अब बताइए यहाँ पे क्या है पी सी बटे पी डी, पी सी बटे पी डी बराबर है, तो ए सी बटे बी डी फिर किसके बराबर हो जाएगा, सारे एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो बराबर क्या होगा सी बटे एफ डी, ये तो प्रूफ करना, तीनों को एक साथ मिला देंगे तो तीनों बराबर हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच सात आठ सात नौ को इसको मिला देंगे तो ये तीनों इक्वल मिल जाएगा, आपको खुद देख सकते हैं उतार लें। चलिए 13 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 14 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन फिगर 6.21 एक फिगर है यहाँ पे आपका एल गिवन है पी ए क्यू बी आर सी एंड एस डी इस तरह से किया हुआ है, ठीक है पी ए दैट इज पी ए क्यू बी आर सी और एस डी, एस डी है ना, आर ऑल परपेंडिकुलर टू लाइन एल, एल पे ये है क्या परपेंडिकुलर मतलब सब क्या है पैरेलल है आपस में, ठीक है ए बी 6 सेंटीमीटर ये कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर और सी डी 12 सेंटीमीटर और एस पी गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है पी क्यू क्यू आर और आर एस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बताइए, पहले इसको तो हम एक्सटेंड कर देते हैं, ये एक्सटेंड कर दिए तो एक्सटेंड कर देंगे तो क्या होगा ये दोनों तो पैरेलल है ये इसके पैरेलल है ये, क्योंकि सब परपेंडिकुलर इस लाइन का सबको क्या होना पड़ेगा पैरेलल होना पड़ेगा सब पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा बताइए ये दोनों अगर पैरेलल है और ये हमारा क्या है एक ट्रायंगल है ठीक 6, तो इसको अगर हम देखें ये एंगल बराबर ये दोनों पैरेलल होगा तो क्या होगा ये दोनों देखिए ये 6 और इसको हम क्या मान लेते हैं एक्स, यहाँ यहाँ से यहाँ तक इसको हम ए बी सी कुछ भी मान लेते हैं जेड मान लेते हैं इसको और ये एक पॉइंट को पी क्यू आर एस टी टी मान लेते हैं और इसको हम वाई मान लिए, ठीक है अगर आप ध्यान से देखें हमको चाहिए मान लेते हैं पी क्यू तो पी क्यू को हम जेड मान लिए तो क्या हो जाएगा 6/x बराबर जेड बटे वाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा 6/x बराबर जेड बटे वाई, इसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं 36 का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है इस पूरे का यहाँ से यहाँ तक इस पूरे को अगर एक साथ देखें ये कितना हो जाएगा 12/9 ये कितना हो जाएगा बताइए 9 × 15 15 15 30 30 × 3 27 हो जाएगा 9 × 6 9 × 15 15 × 12 7 × 2 27 27 सेंटीमीटर हो गया ये 27/x क्या हो जाएगा 27/x बराबर क्या होगा 36/y तो 9 × 3 27 9 × 36 तो क्या हो जाएगा बताइए 3y = 4x या 4x = 3y इसका इस्तेमाल करेंगे हम तो यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करें देखिए 6/x बराबर क्या हो जाएगा z बटे
वाई और 6/x, 4x बराबर क्या 3y है, तो लिख सकते हैं x बराबर 3y/4 बराबर क्या होगा z बटे y, y y कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 चौक 24 बटे 3 बराबर z, तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा 3×8=24, 8 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हो जाएगा, ये z है, इसको हम क्या मान लेते हैं, a b c d e f वाट एवर x y z हो गया, u मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको u मान लें, ये हमारा u है, तो क्या होगा, ये है u प्लस जेड बटे वाई, यू प्लस जेड बटे वाई बराबर 9×6=15/x, तो क्या हो जाएगा u प्लस जेड कितना है 8 और y किसके बराबर है बताइए 4×3, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा 15/x, किसी को किसी में पुट कर दिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3×u+8 4 बराबर 15, 3×5=15, 5×20, तो u का वैल्यू 20 में ऐड किया कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका z कितना हो गया, z हो गया मतलब PQ हो गया आपका 8 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, 12×8=20 बचा कितना, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, नोट डाउन करें। चलिए 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 15 कह रहा है, वो इज द मिड पॉइंट, वो इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, तो पहले ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है, ए बी सी डी, इनमें डायगोनल्स भी हैं, थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, वो क्या है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, ए बी पैरेलल डी सी, ये इसके पैरेलल है, थ्रू ओ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू ए बी, इसमें एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया जो मीट कर रहा है ए डी को पी पे और बी सी को क्यू पे, प्रूव दैट पी ओ बराबर क्यू ओ, पी ओ बराबर क्यू ओ टू प्रूव, है ना, ये चाहिए। अब ये पैरेलल गिवन है, दैट इज़ ये पैरेलल है इसका, तो तीनों पैरेलल हो जाएगा, जब ये पैरेलल होगा तो अब इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम बात करें ट्रायंगल ए बी, देखिए पैरेलल है पूरा, तो ये पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल अगर होगा तो आप खुद देखिए डी ए बी, जो ट्रायंगल हमारा डी ए बी है, ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर होगा किसका, डी पी ओ का, सिंपल सी बात है, कई बार इस पर डिस्कशन हो चुका है, तो ये क्या हो जाएगा अगर इस पर डिस्कशन करें, तो ये हो जाएगा आपका, तीनों हम रेशियो लिखेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे देखिए, इसका सेकंड और लास्ट क्या है ओ पी, इसका सेकंड और लास्ट क्या है ए बी, ओ पी बाई ए बी इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा डी पी फर्स्ट सेकंड, डी पी इसका फर्स्ट सेकंड क्या डी ए, दैट इज ए डी, डी पी बटे ए डी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ क्या होगा, बी डी सी ट्रायंगल बी डी सी सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल बी ओ क्यू का, ये क्या इम्प्लाई करेगा बताइए, थोड़ा इनका प्रॉब्लम है, ये इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से लिखें तो ओ पी दैट इज ओ क्यू, ओ क्यू बटे डी सी, ओ क्यू बटे ए बी, सॉरी ओ क्यू बटे, ओ क्यू बटे ए बी, कौन सा ट्रायंगल हमने लिया, हमको लेना कुछ और है, ये हम बाद में देखते हैं, ये थोड़ा सा हमसे एरर हो रहा है, ट्रायंगल ये वाला, इसको देखिए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला लेंगे, क्योंकि जो चाहिए वही करेंगे वरना फिर हमारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ट्रायंगल कौन सा लेंगे बताइए, सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी सिमिलर होगा किसका, ट्रायंगल सी ओ क्यू का, ट्रायंगल सी ओ क्यू का, इसमें भी अगर हम देखें ओ क्यू बटे ए बी मैच कर रहा है, ओ क्यू बटे ए बी इज इक्वल टू, थोड़ा मैं मैच कर लूँ, क्यू सी दैट इज फर्स्ट और लास्ट, क्यू सी बटे बी सी, ये आपका सेकेंड हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें
किस पे, ये वाला ट्रायंगल में देखिए, ये वाला डी ए बी में। इस ट्रायंगल की अगर बात करें हम, इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इस ट्रायंगल की बात करते हैं ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी में अगर हम थोड़ा गौर करें, इस ट्रायंगल ए डी सी में गौर करेंगे तो क्या होगा, डी सी पैरेलल है किसका, पी ओ का। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, ए पी बटे पी डी बराबर ए ओ बटे ओ सी, ए पी बटे पी डी बराबर ए ओ बटे ओ सी। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर हम बात करें ट्रायंगल किसका, ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी में अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बी क्यू बटे क्यू सी, बी क्यू बटे क्यू सी बराबर ए ओ बटे ओ सी। इस दोनों को एक साथ देखें तो ये इम्प्लाई कर रहा है दोनों राइट साइड बराबर है, दैट इज ए पी बटे पी डी बराबर क्या होगा, बी क्यू बटे क्यू सी, ए पी बटे पी डी बराबर क्या हुआ, बी क्यू बटे क्यू सी। इतना नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है ना, उतार लिए होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, मैंने क्या किया, ए पी बटे पी डी इधर भी वन जोड़ा और बी क्यू बटे क्यू सी इधर भी वन जोड़ा, तो क्या होगा, ए पी प्लस पी डी बटे पी डी बराबर बी क्यू प्लस क्यू सी बटे क्यू सी। इस पर अगर ध्यान दें, ए पी प्लस पी डी, ए पी और पी डी जोड़ेंगे तो ए डी आ जाएगा, ए डी बटे पी डी बराबर क्या होगा, बी क्यू प्लस क्यू सी, ये आ जाएगा आपका बी सी बटे क्या हो जाएगा क्यू सी, और ए डी बटे डी पी क्या हो जाएगा, ए बी बटे ओ पी। इसको मैं उलाट दे रहा हूँ, क्या चाहिए, डी पी बटे ए डी, इधर भी उलाट दिया तो इधर भी उलाट दिया, तो इससे क्या मिला बताइए, ए डी बटे डी पी बटे ए डी क्या हुआ, ओ पी बटे ए बी इज इक्वल टू क्यू सी बटे बी सी क्या होगा, ओ क्यू बटे ए बी। तो यहाँ पे ए बी कैंसिल हो गया, क्या मिला, ओ पी बराबर ओ क्यू, जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 16 पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है, पहले फिगर बना लेते हैं, ए बी सी, इसको एक्सटेंड कर दिया डी, इसके बाद यहाँ पे आपका ई है और ये एफ, ये फिगर गिवन है। इसमें बोला है कि इन फिगर सेगमेंट लाइन सेगमेंट डी एफ, डी एफ इंटरसेक्ट द साइड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट द पॉइंट ई सच दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों बराबर होगा, ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। और क्या बोला है, एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ ये वाला एंगल ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एफ ई, ए एफ ई ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर है तो इसका ऑपोजिट ये वाला है, इसका ऑपोजिट ये वाला, ये भी क्या होगा बराबर, ये भी एक्स होगा ठीक है ना। प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या प्रूव करना, बी डी बटे सी डी इज इक्वल टू बी एफ बटे सी ई। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और क्या क्या गिवन है, ठीक है इतना है। यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया, टेक पॉइंट जी ऑन ए बी सच दैट सी जी पैरेलल डी एफ। यहाँ पे बोला है कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे एक जी ले लें, ले लेते हैं, और जिसमें हमने इस दोनों को क्या किया, पैरेलल कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये गिवन नहीं है। अब अगर ऐसा होगा तो अगर आप ध्यान दें, बी डी एफ ठीक है एक ट्रायंगल है, उसके अंदर कौन है, बी सी जी, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। इस पर अगर ध्यान दें तो ये वाला पूरा ट्रायंगल और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा, और सिमिलर होगा तो क्या होगा, आप जान लीजिए, ट्रायंगल कौन कौन बताइए, ट्रायंगल बी डी एफ सिमिलर होगा किसका, बी के साथ बी ही होगा करस्पॉन्डिंग, और डी के साथ कौन होगा, सी, और एफ के साथ कौन होगा, जी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका बी सी बटे सी डी, दैट इज बी सी बटे सी डी। एक तो सिमिलर की बात हो गई, और दूसरी बात क्या होगा,
बीपीटी से, किससे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, किससे, हम ट्रायंगल किसकी बात करेगा, ट्रायंगल बीडीएफ, ट्रायंगल बीडीएफ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो है एफडी और सीजी ये क्या है, पैरेलल है, तो इससे क्या ये क्या इंप्लाई करेगा, ये हो जाएगा बीसी बटे सीडी, बीसी बटे सीडी बराबर क्या हो जाएगा, बीजी बटे क्या हो जाएगा, बीसी पहले लिखें, बीजी बटे जीएफ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करें तो बीसी बटे सीडी, बीजी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बीजी को लिख सकते हैं बीजी मतलब बीएफ से अगर हम जीएफ हटा दें, बीएफ माइनस जीएफ दैट इज बटे क्या होगा जीएफ, तो क्या हो जाएगा बीसी बटे सीडी, तो इसको अगर हटा दें तो ये फिर इसको लिख सकते हैं बीएफ बटे जीएफ माइनस जीएफ बटे जीएफ, ये तो वन हो जाएगा, बीसी बटे सीडी माइनस वन इस पार आएगा तो क्या होगा प्लस वन बराबर बीएफ बटे जीएफ। एक और बात है, ये एक्स है एक्स है, ये दोनों तो पैरेलल है ना, इसको हम वाई मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स बटे एक्स बराबर वाई बटे एक्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो वाई बराबर एक्स दैट इज़ ये भी क्या हो गया हमारा एक्स हो गया, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी बटे सी डी बराबर बी एफ बटे, बी एफ बटे ये एक्स है, अगर जी एफ एक्स है तो सी भी तो एक्स है, यहाँ क्या लिख सकते हैं सी, अब बी सी प्लस सी डी किसके बराबर है, बी डी के बराबर, तो बी डी बटे सी डी बराबर बी एफ बटे सी, आई थिंक प्रूफ हो गया। अब देख लें बहुत ईजी है, उतार लें, चलिए लास्ट दो क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, इसका हाइपोटेन्यूज ये होगा, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक, इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सेमी सर्कल ड्रॉन ऑन द अदर टू साइड्स, यहाँ पे भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और इसमें भी एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, एरिया वन होगा, इसमें एरिया टू होगा, इसको हम एरिया थ्री मान लेते हैं, प्रूव करना है एरिया थ्री बराबर एरिया वन प्लस एरिया टू, ठीक है। अब एरिया वन निकालने की पहले कोशिश करते हैं, एरिया वन कितना हो जाएगा, ये अगर एक्स मान लें तो ये क्या हो जाएगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू रेडियस एक्स बाई टू हो जाएगा, एरिया वन हो जाएगा पाई एक्स बाई टू का स्क्वायर दैट इज पाई एक्स स्क्वायर बाई फोर, क्लियर है। एरिया टू इसको हम वाई मान लेते हैं पूरा को, ये क्या हो जाएगा वाई बाई टू, ये हो जाएगा वाई बाई टू, ठीक है ना, मतलब ये पूरा को वाई माने हम, इस पूरे को क्या माने एक्स माने, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, तो इसका जो रेडियस होगा वो कितना हो जाएगा बोलिए, ये तो पूरा है, इसका रेडियस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बटे दो, तो एरिया टू कितना निकल जाएगा पाई वाई बाई टू का होल स्क्वायर दैट इज पाई वाई स्क्वायर ओवर फोर, तो एरिया वन प्लस एरिया टू पाई बाई फोर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए बताइए, एरिया थ्री, तो एरिया थ्री निकल जाएगा पाई आर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट बटे दो उसका स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा पाई टू स्क्वायर फोर के बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया वन प्लस एरिया टू भी इतना है एरिया थ्री भी इतना है, प्रूव हो गया, बहुत ईजी, उतार लें। चलिए आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, मिटा दे रहा हूँ। 18 भी सेम ही क्वेश्चन है, बस कुछ और बोला है, 18 में बोला है प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्रायंगल, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर एक्स लें तो क्या होगा एक्स बाई टू, एक्स बाई टू यहाँ पे क्या लेना है हमको, वैसे एक्स ही काफ़ी है यहाँ पे, कोई ज़रूरत ही नहीं, ये क्या हो जाएगा ये एक्स लेंगे और ये वाई, यहाँ पे हमको एक क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे भी क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल और यहाँ पे भी क्या करना है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया वन एरिया टू एरिया थ्री क्या प्रूव करना है बताइए, एरिया वन प्लस एरिया टू बराबर एरिया थ्री, तो यहाँ पे एक्स होगा ये कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट,
एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है रूट थ्री ए स्क्वायर बाई फोर, नहीं आता है तो लिख लें, तो यहाँ से आपको बात समझ आ जाएगी। एरिया वन कितना निकल जाएगा, रूट थ्री एक्स स्क्वायर बाई फोर, एरिया टू रूट थ्री वाई स्क्वायर बाई फोर, एरिया वन प्लस एरिया टू कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया थ्री कितना हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, दैट इज़ रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एरिया वन प्लस एरिया टू एरिया थ्री आ गया, सिंपल सी बात। तो बस क्या प्रूफ करना था आपसे, आई थिंक कि आपको बात समझ आई होगी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे लास्ट के दो क्वेश्चंस, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और बहुत अच्छे से समझ आया तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर आपका बहुत अच्छे से समझ आता है, आगे और भी इसी तरह से लेक्चर्स डालते रहें तो हम लोग और भी मोटिवेट होंगे और अच्छे से और भी जल्दी से जल्दी लेक्चर्स डालने की कोशिश करेंगे। तो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ओके, अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे बच्चों।